This conference will now be recorded. अत्य बुधवा सर अथवा सोमवा सर अधिक अश्विन कृष्ण पंचमी दिनांक 7 अक्टूबर 2020 पतंजलि योग सूत्र भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लया मूकं करोति वाचालं पंगुं नन्दयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यन्तरधर्म साधनम् कनिष्ठिका दृष्टितकालिभासो यदुक्तवान् तत्तमत्तवक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत्र युज्यते योगशास्त्रे अधुना किन्तु न तस्य प्रयोजनम् द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यक् अध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवे प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्च तैः क्लिष्टाः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ये विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्येव मिथ्याज्ञानम् असद्रूपः प्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपात्तिवस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यान्तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरर्तद्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञावैराग्यम् तत्पुरुषम् तत्परम् पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः बहुप्रत्ययविधेः प्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यसमाधिप्रज्ञापूर्वकैतरेषाम् श्रद्धा श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानां आसन्नः मृदुमध्यादि मात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानात्वा क्लेशकर्म विपाक क्लेशकर्म विपाकाशयेरपरामृष्टपुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निर्देशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुकानेनानवच्छेदात् तस्य वाचकप्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्थानप्रसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानुस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदर्मनस्य अङ्गमे जयत्र श्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां स्वदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधाराणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद् वा परमाणुपरममहत्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्ततदञ्जनतासमापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सवितः समाधिः निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ततम्भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धि तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्वीडः समाधिः इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे कथं प्रथमादिपादः।
प्रत्ययविधेः प्रकृतिलयानां, तर्हि विधयानां प्रकृतिलयानां च बहु प्रत्ययः। तर्हि असम्प्रज्ञातसमाधिः कः, तस्मिन् किं भवति एतद्विषये वक्ति। चतुरो अयं द्विविधः, उपायप्रत्ययो बहुप्रत्ययश्च। सः असम्प्रज्ञातसमाधिः द्विविधः, उपायप्रत्ययः बहुप्रत्ययः च। एकः तत्र उपायप्रत्ययः, अन्यः बहुप्रत्ययः। तत्र उपायप्रत्यययोगिनां भवति, योगिनां कृते उपायप्रत्ययः असम्प्रज्ञातसमाधिः, बहुप्रत्ययविधेः प्रकृतिलयानां। विधेयप्रकृतिलयानां विधेहानां नाम देवानां बहुप्रत्ययः, तैः स्वसंस्कारमात्रोपयोगेन चित्तेन कैवल्यपदमेव अनुभवन्तः स्वसंस्कारविषयकं तथा जातीयकम् अतिवाहयन्ति। तथा प्रकृतिलयाः साधिकारे चेतसि प्रकृतिलेन कैवल्यपदम् इव अनुभवन्ति। विधेयः नाम देवाः, ते केवलं कैवल्यपदमिव अनुभवन्तः। तर्हि तत्र कैवल्यपदमिव अनुभवः न खलु कैवल्य प्राप्तिः तैः अनुभूयते इति। एवञ्च प्रकृतिलयाः येषां चित्तस्य प्रकृतौ लयः सञ्जातः, साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने कैवल्यपदमिव अनुभवन्ति। तर्हि चित्तं यदि प्रकृतिलीनं, तर्हि ते अपि कैवल्यपदमिव अनुभवन्ति, यावन्न पुनरावर्तते अधिकारवशात् चित्तमिति, अधिकारवशाः चित्तम्। तथापि भवप्रत्ययात् पुनः जन्म, पुनः मरणम्, एतादृशं परिवर्तनं सम्भवत्येव। तो कहने का मतलब ये है कि जब संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश इस प्रकार के करते हैं, तो ये बहुप्रत्यय और उपाय प्रत्यय इस प्रकार का असंप्रज्ञात समाधि दो प्रकार का है। तो विदेह प्रकृति लय जिनका है उसके लिए बहुप्रत्यय है। तो बहुप्रत्यय प्रत्यय का अर्थ कारण या प्रत्यय का अर्थ प्रतीति। यहाँ पे जो कारण किया अर्थ किया गया है व्यासभाष्य में, वो प्रत्यय का अर्थ कारण इस प्रकार का किया है। तो जो भव का कारण बन जाता है वो प्रत्यय हो जाता है, यानी कि फिर से जिसको जन्म प्राप्त होता है वो विदेह प्रकृति, विदेह और प्रकृति लय इन दोनों के बारे में। तो देवताओं के बारे में पुनः पुनः जन्म इस प्रकार की परिस्थिति होती रहती है। और जैसे कि मैंने कहा कि राम कृष्ण ये सब अवतार इस प्रकार के जो माने गए हैं, तो उनको ये भव प्रत्यय संसार का प्रत्यय और फिर उससे जो जुड़े सुख दुख ये सब है, ये सब अनुभव लेने पड़ते हैं। उसी प्रकार प्रकृति में अगर लय हो गया तो भी ये भव प्रत्यय इस प्रकार का होता। तो लय समझने के लिए ये प्रतीक प्रसव इस प्रकार का है, और वो समझने के लिए प्रसव कैसा हुआ है ये समझना जरूरी। इस प्रकार का इन्होंने करने बताया है। तो इंद्रियेभ्यो बराह्यार्थाः अत्यभिष्ट परम बना, इंद्रियों से पर श्रेष्ठ अर्थ ये है। और इनका कहना है कि ये हम स्थूल से सूक्ष्म तक की तरफ जा रहे हैं, या प्रति प्रसव कैसा होता है ये समझने की कोशिश इस प्रकार से कर रहे हैं। तो इंद्रियों से सूक्ष्म अर्थ है,
और ये अर्थ है शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, ये जो है वो इंद्रियों से भी परे है, ऐसा कहना। आयुर्वेद में भी इंद्रिय पांच भौतिक बताए गए हैं, और जिस महाभूत का उसमें आधिक्य हो उस महाभूत से संबद्ध विषयों का वो ग्रहण कर पाए। तो श्रोत्रेंद्रिय ये केवल आकाश महाभूति है, ऐसा कहना है, और इसलिए वो आकाश के शब्द गुण का ग्रहण करने में समर्थ होता है। इंद्रियेण इंद्रियार्थम हि स्वसं गृह्णाति मानवः नियतं तुल्येन नीत्वा नान्ये नान्यम् इति स्थितिः। ये चरक शारीरिक स्थान पहले अध्याय में है कि इंद्रिय से अपना अपना इंद्रिय का अर्थ, हाँ, इंद्रिय ग्रहण करते हैं, और नियतम तुल्य वनित्वा निश्चित रूप से उसी अर्थ का ग्रहण उस इंद्रिय के द्वारा होता है, ना अन्य ना अन्य चक्षु इंद्रिय से मुझे गंध आ समझ गया, या रसन इंद्रिय से मुझे दिखाई दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। चक्षु इंद्रिय से रूप ही दिखेगा और रसन इंद्रिय का रस रस से रस का ही ग्रहण इस प्रकार का होगा। तो इंद्रिय जो है उनसे भी पर ये पंच तन्मात्र या उनके विषय शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्र, ये केवल शब्द केवल स्पर्श केवल रूप इस प्रकार के जो है वो उनसे पर श्रेष्ठ इस प्रकार के हैं, और इन अर्थों के भी पर मन है, ऐसा इनका कहना है। अर्थे बेष्ट परम मना तो बाह्य विषयों से आरंभ करके जिनका ग्रहण हम इंद्रिय द्वारा करते हैं, अब हम अंदर की तरफ चले कि केवल मन ये इंद्रिय इस प्रकार के अभी उपलब्ध है, और उसके जरिए सुख दुख आदि विषय का हमें ज्ञान होता रहता है। वास्तव में ऐसा होता है कि बाह्य विषयों से जो हमें ज्ञान होता है, ग्रहण होता है बाह्य विषयों का, उसके ऊपर हमारा सुख दुख निर्भर इस प्रकार का रहता है। और इसी में इसलिए मुझे लगता है कि हाँ मैंने श्रीखंड खाया, मैं मुझे बहुत अच्छा लगा, या मैंने बहुत अच्छा दृश्य देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा वगैरह, इस प्रकार से मुझे सुख हुआ, या दुख भी इस प्रकार का होगा। लेकिन जब हम इंद्रियों के पर इस प्रकार से निकल जाएंगे, गंध तन्मात्र वगैरह उनके भी आगे निकल जाएंगे, तो मन रहेगा, और फिर मन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान सुख दुख वगैरह ये होता है, उससे भी श्रेष्ठ बुद्धि इस प्रकार की है, ऐसा मनसो मनसस्तु बड़ा बुद्धि। तो आखिर ये एक ज्ञान है मन का संबंध है। मन वास्तव में हमारे हिसाब में उभयात्मक इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय, और इंद्रियण इंद्रियार्थम इस समनस के इंद्रियार्थ ही समनस के ने बोलिए थे कल्पित मनसा तुर्गम गुण तो दोष तो थवा जायते निश्चय तत्र या बुद्धि निश्चयात्मिका। तो इंद्रियों के द्वारा अर्थों का ग्रहण होने के बाद ये गुणवान है इसको मुझे लेना है, ये दोषवान है उसको मुझे छोड़ना है, ये काम मन का है, ऐसा कहते हैं कल्पित मनसा तुर्गम गुण तो दोष तो थवा, और फिर उसके आधार पर बुद्धि निर्माण होती है, निश्चय होता है, बुद्धि निश्चय आत्मिका, ऐसा कहते हैं कि गुणवत् इदम गृह्णामि दोषवत् इदम त्यजामि अजस्त, ये गुणवत्त है इसलिए मुझे वो लेना है, और ये
दोषवत इस प्रकार का है, इसको मुझे छोड़ना है, इस प्रकार की बुद्धि निर्माण होती है। तो मन के परे, मन से श्रेष्ठ बुद्धि इस प्रकार की है। और फिर उसके ऊपर महत्तत्व ये है। तो महत्तत्व भी बुद्धि ही है, शायद ये पूरे विश्व के महत्तत्व का संबंध यहाँ पे रहेगा। बुद्ध आत्मा महान परा। तो एक वैश्विक अहंकार, वैश्विक बुद्धि तत्व इस प्रकार का भी बताया जाता है, तो शायद ये होता होगा। और उससे भी आगे महता परम अव्यक्तम, जो प्रकृति या अव्यक्त इस प्रकार का है, वो उसके भी आगे है। और उससे भी आगे पुरुष, अव्यक्ता पुरुष परा, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। और पुरुष से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, और वही काष्ठा है, वही श्रेष्ठ इस प्रकार की। तो इसमें सांख्य तत्व ज्ञान और वेदांत तत्व ज्ञान, इसमें भेद आ जाता है, भिन्नता आ जाती है। सांख्यों के हिसाब से प्रकृति मूल है, जब तक उसमें सत्व रजस तमस ये क्षोभ रहित इस प्रकार के है, इसमें कुछ हलचल नहीं है, तब तक सृष्टि की निर्मिति नहीं होती। लेकिन जब इसमें हलचल मच जाती है या क्षोभ निर्माण होता है, तो सृष्टि की निर्मिति होती है और पुरुष उसमें आसक्त हो जाता है। जब पुरुष को यह पता चलता है कि ये सब प्रकृति का खेल है, मैं ना ही इससे जुड़ा हूं, ना ही इससे बंधा इस प्रकार का हूं, मैं मुक्त हूं इस प्रकार से, तो उनके हिसाब में मोक्ष हो गया। सांख्यों के हिसाब में दिशा से इसमें मोक्ष इस प्रकार का हो गया। वेदांती कहते हैं कि इस प्रकृति का भी लय पुरुष में हो जाता है। तस्माद वाते तस्माद आत्मना आकाश संभूता आकाशादग्नि आकाशाद वायु वायु अग्नि अग्नि आप अध्या पृथ्वी। ये जो क्रम सृष्टि के बारे में वेदांत ने रखा है सामने, उस क्रम को ध्यान में रखते हुए मूल आत्मा ही है या ब्रह्म तत्व ही है। और अविद्या के कारण या अस्मिता रूप क्लेश होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि ये जगत निर्माण इस प्रकार का हुआ है। और जो प्रसव है वो सांख्यों के हिसाब से जो भी बताया गया है उसमें थोड़ा अंतर ऐसा है। तस्माद वा तस्माद आत्मना आकाश संभूता, ये डायरेक्ट पंचमहाभूतों का निर्माण आकार, आकाश संभूत आकाश हुआ और आकाश से आगे सभी महाभूत निर्माण हो गए। और सांख्यों में पहला जो है वो महत्तत्व इस प्रकार का है, और फिर अहंकार निर्माण होता है, अस्मिता भाव जो बताया, सास्मित संप्रज्ञात समाधि। और फिर उसके आगे जो प्रसव होगा वो सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रिय और तामस अहंकार से पंचतन्मात्र, और पंचतन्मात्रों के द्वारा पंचमहाभूत का निर्माण, ये सांख्यों का कहना है। जैसे कि मूल प्रकृति रविकृति महदात्या प्रकृति विकृति सत्य षोडश विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषा। तो इसमें जो अंतर हुआ वो इस मुद्दे पर हुआ कि पंचमहाभूतों का निर्माण डायरेक्ट आत्मा से वेदांत ने कहा, और महत अहंकार और फिर एकादश इंद्रिय और पंचतन्मात्र और फिर उसके जरिए पंचमहाभूत,
ये सांख्य ने बताया। अब जब प्रतिप्रसव होगा हाँ, तो इंद्रियों से पर हाँ, अर्थ है यानी कि वह चेतन मात्र है अभी इस दृष्टि से, उनसे पर बुद्धि है, मन है, सॉरी अर्थों से पर मन है, मन से पर बुद्धि है, और बुद्धि से पर महत्तत्व है, और उससे पर अव्यक्त यानी कि प्रकृति है, और उससे भी पर पुरुष है, ऐसा ये बताया गया। तो संप्रज्ञात समाधि में शास्विता इस प्रकार की, जो संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था इस प्रकार की है। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्य, उसके आगे असंप्रज्ञात समाधि जो है वो उससे आगे है, उससे श्रेष्ठ इस प्रकार की है। तो पुरुष ख्याति यानी कि कैवल्य की अनुभूति ये होने पर गुण वैतृष्ण्य प्रकृति का लय इस प्रकार का हो गया, प्रकृति भी उनके हिसाब से अब सच कुछ नहीं रही, और इसलिए गुण वैतृष्ण्य हो गए। सत्व रजस तमस ये जो तीन गुण है, इन तीनों गुणों का भी लय इस प्रकार का हो गया, और फिर कैवल्य की प्राप्ति इस प्रकार से हो जाएगी। तो अभ्यास वैराग्याभ्यंत निरोधा, चित्तवृत्तियों का निरोध जो करना है वो अभ्यास और वैराग्य इनके जरिए करना है, ऐसा कहने का मतलब है। और फिर अभ्यास के हमारे में नैरंतर्य वगैरह इस प्रकार का दृढ़ भूमि हो जाता है, सत्कारा सविता दृढ़ भूमि कि सातत्य से उसका सेवन करना है और सत्कार पूर्वक वो करना है सत्कार से। और वैराग्य के बारे में वशीकार होने का वैराग्य इस प्रकार का बताया, और वो एक अंतिम इस प्रकार की अवस्था संप्रज्ञात समाधि में बताई गई। तो इसमें स्थूल आलंबन से आरंभ करके कोई मूर्ति या कोई चित्र वगैरह इसके आप आलंबन करके शुरुआत हुई, और फिर सूक्ष्म आलंबन में आ गए जो सवितर्क ये पहली अवस्था रही, फिर सविचार इस प्रकार की केवल विचारों में वो मूर्ति आने से या वो चित्र आने से भी उसकी अनुभूति होने लगेगी, और फिर उससे आगे निकल कर ये हाँ सानंद इस प्रकार की अनुभूति होगी। तो आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, और उसके आनंद की अनुभूति होना ये सानंद शास्वित समाधि, सानंद समाधि में होगा, और फिर उसके आगे शास्वित समाधि, शास्वित संप्रज्ञात समाधि जिसमें हाँ, केवल चित्त संस्कार शेष इस प्रकार का रह जाता है, और मैं हूं इतनी अनुभूति होती रहती है। हाँ, दूसरी तरीके से देखा जाए तो अन्नमय कोश से आरंभ करके प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और फिर आनंद ये हाँ प्राण सॉरी अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, अंतिम में अभी भूल गया। तो ये कोश इस प्रकार के बताते रहते हैं। तो
तो जैसे हम सूक्ष्म सूक्ष्म अंदर अंदर चले जाते हैं, तो बाह्य आलंबन सभी दूर इस प्रकार के हो जाएंगे। और आत्म तत्व पर यह होगा जब भी आनंदमय कोश इस प्रकार का होगा। और कई लोग यहीं पे अटक जाते हैं। हाँ, आनंद की अनुभूति होती है और वहीं पे अटक जाते हैं। फिर आगे विज्ञानमय कोश है अस्मिता, ये जो बताया। हाँ, कि विज्ञान ही सभी इस प्रकार का है। बौद्धों में भी एक संकल्पना रखी गई है कि ये विज्ञान का एक अखंड प्रवाह इस प्रकार का चलता रहता है। सबका उसमें भी बाह्य विषय अस्तित्व है या नहीं है इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। तो बाह्य विषय अस्तित्व में है इस सवाल पूछक पूछने पर मौन उत्तर रहा था, तो कुछ भी नहीं बताया। तो उसने समझ लिया कि हाँ है बाह्य वस्तु अस्तित्व में है। तो दूसरे ने पूछा बाह्य वस्तु अस्तित्व में नहीं है क्या, तो वहां भी मौन में उत्तर मौन उसका उत्तर रहा। तो उसने समझ लिया कि हाँ ठीक है बाह्य वस्तु अस्तित्व में नहीं। तीसरे ने पूछा है भी और नहीं भी, ऐसी कुछ स्थिति है क्या। हाँ, उसको भी मौन ये उत्तर, तो उसने समझ लिया हाँ है भी और नहीं भी। और चौथे ने पूछा है ऐसा भी नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं, ऐसा है, उसको भी मौन यही उत्तर मिला इस प्रकार से। तो उनका ये कहना है इसके आधार पर चार पंथ बने बौद्ध में, ऐसा बताते हैं कि जो अभ्यंतर इस प्रकार का विज्ञान है वही हमें बाह्य सृष्टि से अनुभव उसका होता है, उसी विज्ञान का बाह्य सृष्टि में हमें अनुभव इस प्रकार का होता है। तो एक विज्ञान का प्रवाह इस प्रकार का माना गया है। सर्वम शून्यम, सभी शून्य है कुछ भी नहीं है। सर्वम क्षणिकम, सभी क्षणिक ही है, एक क्षण से ज्यादा टिकने वाली कोई भी चीज नहीं है। और इनका शून्यवाद और वेदांत का ब्रह्मवाद इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, ऐसा कई विद्वानों का कहना है। और बौद्धों का जो शून्य है वही वेदांत में ब्रह्म बताया गया, ऐसा भी लोग मानते हैं। क्योंकि बौद्धों का खंडन करने के लिए भी वेदांत प्रवृत्त इस प्रकार प्राप्त। नहीं संन्यस्त खड़ग नाम का नाटक अभी टीवी पे हुआ था, सावरकर जी ने लिखा है। और उस समय जो भी इस प्रकार का साहित्य आया है वो ब्रिटिश के खिलाफ लोगों को भड़का इस दृष्टि से लिखा गया है। और मुझे थोड़ा सा प्रतीत होता है कि हमारे पास खड्ग है,
हमने उसको संन्यस्त करके रखा है, उसका संन्यास ले लिया है सरकार से, तो वो निकालना चाहिए और ब्रिटिश को हराना चाहिए इस प्रकार से। और वो पर्वशता पाशा देवी जाचा गड़ा लागला, ये जो गाना है वो काफी मशहूर इस प्रकार का हो गया था। हाँ, और खास करके ब्रिटिशों के खिलाफ हमें कदम उठाने हैं, ये उसका मकसद था, इस गाने के पीछे ये मकसद था, लोगों को जागरूक करना इस प्रकार से। सावरकर बहुत अच्छे कवि थे, उसमें कोई संदेह नहीं है। कमला नाम का एक काव्य है और बाकी भी इस प्रकार के काव्य है या उनकी साहित्य संपदा इस प्रकार की है, लेकिन उनके मन में एक मकसद था किसके लिए करना है, समाज प्रबोधन, समाज में जागरण किस प्रकार से करना है, उसका नतीजा ये था। अभी तो मैंने तो नाटक देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, तो इसके बारे में बताना मुश्किल किस प्रकार का होगा, लेकिन ये विवाद पीढ़ियों से आता रहा है कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, अहिंसा परमो धर्मः, यही मार्ग, इसी मार्ग पे चलना है, या एक बलवान की भांति हमें शत्रुओं को हरा देना है, उनको मार देना है, इस प्रकार से करना। तो ये काफी मुश्किल होगा जो 1942 का सत्याग्रह इस प्रकार का होगा, मीठ के बारे में, दमन के बारे में, गांधी जी ने जो आंदोलन छेड़ा, और फिर ये छोड़ो भारत अभियान इस प्रकार का हुआ, छेड़ा गया और उससे जनमत निर्माण हो गया, और ये अहिंसक था पूरा मार्ग जो है वो, और बहुत सारे सत्याग्रहियों को बहुत मारपीट हुई, बहुत कुछ भुगतना पड़ा उसके बारे में, बहुत दुख भुगतना पड़ा। फिर भी महात्मा गांधी की एक शिक्षा थी कि नहीं, इसी मार्ग से हमें जाना है। और दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्र वीर सावरकर वगैरह, इनका कहना था नहीं, सशस्त्र क्रांति होनी चाहिए, उनके हाथ में शस्त्र है तो हम निशस्त्र होकर उनके साथ लड़ाई झगड़ा करें, ये बराबर मार्ग नहीं है, ऐसा उनका कहना था। और सावरकर उस पक्ष के, तो अभी स्वातंत्र्य किस तरीके से मिला ये विवाद ये है, गांधी जी के वजह से स्वातंत्र्य मिला, लोकमान्य तिलक की वजह से मिला, सावरकर के वजह से मिला, या कुछ लोगों का कहना है अब यहाँ लूटने लायक कोई चीज नहीं रही, भारत कंगाल हो गया, और फिर रहना, यहाँ रहना का कोई मतलब नहीं है, ये ब्रिटिश ने समझ लिया और इसलिए वो यहाँ से निकल गए, अपने आप निकल गए इस प्रकार से। तो ये भी कहना है, पूरी तरह से लूटने के बाद कुछ नहीं बचा, ये बहुत लोगों का कहना है कि ब्रिटिश इन सभी उपायों से नहीं गए, जब उन्हें पता चला कि अब यहां लुटने लायक कुछ नहीं है, तब निकल पड़े यहां से इस प्रकार से। और इस प्रकार का अगर जनजागरण होता है और लोग उनको मार देंगे ब्रिटिश को, ये तो बहुत कम मात्रा में थे, उनकी पूरी फौज हिंदुस्तानी थी, केवल ऊपर वाले अधिकारी ब्रिटिश थे, बाकी नीचे सब फौज हिंदुस्तानी थी, पुलिस में भी सभी हिंदुस्तानी ही थे, सिर्फ ऊपर ब्रिटिश अधिकारी रहता था। और ये जो निष्ठा नाम की चीज है, राजा के प्रति निष्ठा इस प्रकार की होती थी, तो चाहे वो गलत कर्म भी कर रहा हो तो भी निष्ठावान सैनिक उसी का अनुकरण करते थे। और ये सिलसिला बहुत पुराना इस प्रकार का है,
तो शिवाजी महाराज जब तक पैदा नहीं हुए तब तक सभी मराठे राजा के सेवक थे इस प्रकार से। चाहे उन्होंने कितना भी लूटा, कितने भी देवताओं की निंदा की, पीटन बना की, फिर भी ये उनकी सेवा चाकरी करते रहे। ये तो इतिहास है, समय सभी के सामने इस प्रकार का है। तो बिरजादे जयसिंह एक अच्छा उदाहरण है औरंगजेब के निष्ठावान कार्यकर्ता इनमें से। मिर्जाराजे जयसिंह एक बहुत ही अहम उदाहरण है। वो अच्छे मुत्सद्दी थे, वो अच्छे सेनापति थे, फिर भी उनकी निष्ठा औरंगजेब की तरफ इस प्रकार की। तो ये एक अलग चीज है। लेकिन इसमें देखना यह है कि मन मन के आगे बुद्धि। ये जो अभी चल रहा है सिलसिला, एक व्यावहारिक तौर पर हम अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं तो सर्वसामान्य आदमी इसी में जुड़ा रहता है। तो विषयों को भोग इस प्रकार के हैं, उसके आगे कुछ नहीं है। हमारी सुख की संकल्पना क्या हो सकती है? कि बड़ा खासा घर हो, मेरे पास कार हो, मैं विमान से कहीं भी कैसे भी जा सकता हूँ, इस प्रकार की इतना संपत्ति संपत्ति मेरे पास हो, या मुझे अधिकार संपत्ति इस प्रकार की हो, मेरे नीचे काम करने वाले बहुत लोग हैं और मैं जो चाहूंगा वो काम उनसे करवाऊंगा इस प्रकार से। इसी को लोग धन्यता मानते हैं और इसी में उनका सुख है ऐसा उनको लगता है। ये इंद्रियों से जुड़ा इस प्रकार का सुख है। असर्वम परवशम दुखम, जो भी चीज दूसरे के अधीन है वो दुख ही है, चाहे उस समय हमें वो लगता है कि हमारे लिए सुख है, लेकिन वो विषय नहीं रहा तो ये सुख भी नहीं रहेगा। तो इससे आगे चले जाओ कि केवल इस भौतिक सुख को त्याग कर उसके आगे सुख क्या है ये देखने की कोशिश करो। तो स्थूल से हम थोड़े सूक्ष्म आलम्बन इंडिविजुअली करायचं आहे का कोणत्या गुरु गोविंदांनी यांच्या सर्व करायचं आहे असं काय लिहिलंय? वह आहे ना, सर्व सर्वेषां मृदुरु काले नाम वच्छेदात वगैरे ईश्वर प्रणिधानाद्वा तस्य वाचकः प्रणवः तत्त्वपस्तदर्थ साधनं वगैरह सूत्र है आगे, हमने तो पढ़ा नहीं है अभी। तो उसको पढ़ेंगे तो शायद इसके बारे में कुछ पता चलेगा। तो एक कदम हम आगे बढ़े कि इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख यही सुख है ऐसा मानकर चलने वाला जो एक वर्ग है वो सुख नहीं रहे तो उनको दुख हो जाता है। और फिर उनको समझाना पड़ता है कि अरे ये छोड़ो बात, ये कहाँ का सुख या दुख है, तुम्हें असली सुख चाहिए तो आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, वहां का सुख का अनुभव करो, वो खुद में नहीं, वो परोक्ष नहीं है, सहोष है। हाँ, अब उसके भी आगे निकल जाना है, ऐसा करना सानंद समाधि। लोग कहेंगे हाँ ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें सुख चाहिए, आनंद मिल गया ना आनंद, अब आगे करने का क्या है? जो ऐसा सोचेंगे कि ये मैं इससे भी संतुष्ट नहीं हूं और इसके आगे मुझे जाना है तो फिर मोक्ष की बात करेंगे, नहीं तो बहुप्रत्यय विदेह प्रकृति लाया नाम, वहां से भी वापस आ सकते हैं, फिर भाव प्रत्यय ले लेंगे इस प्रकार से। हमें उपाय प्रत्यय में जाना है, भाव प्रत्यय में नहीं जाना, ये एक इनका कहना है। वो योगी देव जैसे बन जाते हैं और देवत्व प्राप्त हो गया फिर भी संसार में वापस आने की इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। और मालूम नहीं
ज्ञानेश्वर वगैरह जो पैदा हुए सन्यासी के पुत्र इस प्रकार के पैदा हुए, और उसी में उसको निष्कासित किया गया, जाति से निष्कासित किया गया वगैरह वगैरह, जो सब ज्ञानेश्वर की कहानी है। मैडम क्या हुआ कि ये देखा है ना, मैंने बिल्कुल निदान होता है कि ये सब एक आई जाए ज्ञान करके समझ को मिल जाए, पहले तो था भगवान तभी एंटिटीज रहती है तो ऐसा नहीं है तो क्या हर बात, पर क्या एंटिटी का इनकार हो रहा है ऐसा। ब्रह्म तत्व उससे भी आगे है ऐसा कहना ईश्वर। इसमें भी सावयव और निरवयव इस प्रकार के बताए गए। ये आलंबन हमें चाहिए। हाँ, और जब तक स्थूल आलंबन सामने नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है या कोई चित्र वगैरह इस प्रकार का नहीं है, तब तक हमारा मन वहां पे केंद्रित नहीं होगा। तो हमें ये सोचना है, हाँ ठीक है कि इसी आलंबन पर मैं चित्त एकाग्र करूंगा, तो चित्त एकाग्र का एकाग्रता का अभ्यास होता रहेगा, और जो मेरा चित्त बाह्य विषयों में भटक रहा वो एक जगह पे स्थिर होगा, केंद्रीय रूप होगा। और उसके आगे हम आगे चले जाएंगे कि हाँ ठीक है, ये तो अभी हाँ मैंने हासिल कर लिया है, तो ये सानंद समाधि संप्रज्ञात समाधि इस अवस्था में पहुंच जाएंगे, और आनंद की अनुभूति होती रहेगी ना, वहां पर कोई चित्र है ना कोई मूर्ति है, कुछ भी नहीं है, मैं अपने ही आत्मा पर लक्ष्य केंद्रित कर रहा हूँ और वो आनंद स्वरूप है, और वो आनंद मैं ले रहा हूँ इस आस्मिता संप्रज्ञात समाधि इस प्रकार का। और ये मुझे ज्ञान हो रहा है कि मैं ये आनंद ले रहा हूं इस प्रकार का, इसलिए संप्रज्ञात इस प्रकार का है और सानंद है इस प्रकार से। अब जो हमारा हमारा प्रयास था कि आनंद प्राप्त करने के लिए, वो आनंद प्राप्त हो गया, अब आगे क्या करना है, बस आनंद लेते रहो बाकी कुछ करना ही नहीं है, ऐसा भी कुछ लोग सोचेंगे और वहीं पे रुक जाएंगे, आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जो योगी है जिसको चित्तवृत्ति निरोधक करना है, तो कहेगा ये भी एक चित्तवृत्ति है आनंद रूप इस प्रकार, तो मुझे इसका भी निरोध करना है, मैं इससे भी आगे निकल जाना। तो आगे ये शास्त्रीकरण संप्रज्ञात समाधि रहेगा कि मैं हूं, इतना ही रहेगा, आनंद की अनुभूति नहीं रहेगी लेकिन मैं हूं इतना ही रहेगा। फिर भी इसमें ज्ञाता और ज्ञेय ये दो तो रहेंगे कि मैं हूं और वही ज्ञाता इस प्रकार की स्थिति इस प्रकार की रहेगी। उसके आगे जब निकल जाना है तो असंप्रज्ञात समाधि का प्रांत शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे आगे जाते हैं वो पीछे वालों का लोप होता जाता है ऐसा कहना है, लय हो जाता है। तो प्रकृति लय एक कंसेप्ट इसमें है, महत्तत्व तक हम पहुंच लिए हैं, ज्ञान है, और ज्ञान से आगे प्रकृति है, कि उसमें प्रकृति में उसका ज्ञान का भी लय इस प्रकार का हो गया। लेकिन ये भी भव का एक प्रत्यय बन जाता है, कारण बन जाता है संसार का, और वापिस हम संसार में आ जाते हैं, भव में आ जाते हैं इस प्रकार से। और दूसरे विदेह इस प्रकार के बताए गए हैं कि जो देव है उनको भी फिर से जन्म लेना पड़ता है, कई बार ध्यान करते वक्त
आंतरिक सुकून शांति का अनुभव तो होता है, अब फिर इसके आगे जाने की क्रिया कैसे होगी? मैं इसमें अधिकारी व्यक्ति नहीं हूं, जो हम लिखा गया है उसको पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं बस, ना ही पढ़। और मैं भी एक साधक ही हूँ इस अवस्था में। तो इसमें एक अहम मुद्दा है कि अनुभूति लेना, इसके आगे अनुभूति लेना इस प्रकार की है। तो शांति एक चीज है, आनंद एक और चीज है। अगर शांति का अनुभव होता है तो समझ लेना है कि दुख की अनुभूति तो निकल गई, फिर भी आनंद की अनुभूति होनी चाहिए मुझसे, बाकी कुछ न होते हुए भी आनंद होना, आनंद प्राप्त करना है, क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा है। तो हम जब आत्मा से जुड़ गए तो आनंद की अनुभूति इस प्रकार की होगी। और उसके आगे बस मैं हूं, इतनी अनुभूति है, बाकी कुछ अनुभूति नहीं रहेगी। और फिर असंप्रज्ञात समाधि में हम चले जाएंगे। हाँ, और ये जो बहु प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम, ये जो सूत्र इस प्रकार का आ गया, तो ये प्रतिप्रसव इस प्रकार का होता रहेगा, तो प्रकृति लय तक हम पहुंच जाएंगे, ऐसा है पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और फिर भाव प्रत्यय हो जाएगा, तो ये फिर से हमें जन्म मरण इस श्रृंखला से गुजरना पड़ेगा, जो मैंने उस एम का उदाहरण बताया था, श्री एम का, ये भ्रष्ट योगी फिर से जन्म लेगा, और अभी वो इस रूप से हमारे सामने है। तो ये इस प्रकार के भ्रष्ट योगियों के लिए इस पुनर्जन्म इस प्रकार की कल्पना है। प्रकृति में सत्वरजस्तम प्रकृति, प्रकृति में लय हो गया, फिर से प्रकृति से सभी संसार उत्पन्न हुआ। ये जो सांख्य का कहना है, सांख्य का, या फिर कुछ हद तक वेदांतियों का भी कहना है, कि इससे फिर से मेरे लिए जगत निर्माण हो गया इस प्रकार से, वास्तव में है ही नहीं। ज्ञानेश्वर जी भी कहते आगाजे झाले जी नाही सच्ची वार्ता का, तो ये जगत निर्माण ही नहीं हुआ है, किस चीज की तुम बात कर रहे हो इस प्रकार से। तो ये भासमान है ब्रह्म तत्व के ऊपर, और उसका कारण अविद्या अस्मिता, ये क्लेश है। तो वृत्ते पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, वृत्ति पांच प्रकार की है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट इस प्रकार से। तो क्लिष्ट वृत्तियों का त्याग पहले होना है, और फिर आगे चलकर अक्लिष्ट वृत्तियों का भी त्याग करना, क्योंकि वृत्ति नहीं होनी चाहिए। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, ये जो अवस्था है उस अवस्था में पहुंचने के लिए वृत्ति बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, ये सबसे अहम। ये चित्त वृत्तियों का पूरी तरीके से निरोध हो जाने पर योग सिद्ध होगा। तो प्रकृति लय होने के बावजूद हम फिर से प्रकृति से ये सब विश्व का निर्माण करते रहेंगे, फिर से जन्म लेंगे, फिर से वही सुख दुख वगैरह से होते हुए गुजरते हुए फिर आत्म तत्व में लीन होने की कोशिश करेंगे, या फिर स्वरूप अवस्था प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसा हो सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ
योग भ्रष्ट होने की संभावना है और ये केवल विदेह प्रकृति लय वाले लोगों के लिए भी नहीं, विदेह जो देव है उनके बारे में भी ये है कि देहो ना हम, ये पहला कदम है कि मैं देह नहीं हूं, इसके पास मैं उससे पर इस प्रकार का हूं। मैंने उदाहरण सुना था कि अरे जल्दी जल्दी मिलो, बोलो मेरी बैटरी डाउन हो रही, कोई दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक के मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, तो वह ऐसा नहीं बोलता कि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, वो एक रूप हो जाता है मोबाइल से, मेरी बैटरी डाउन हो गई। तो उसी प्रकार से हाँ, देह से जुड़े सुख दुख ये हमें हमारे सुख दुख लगते, वास्तविक आत्मा जब अब जबकि सच्चित आनंद स्वरूप है तो दुख होने का कोई संबंध नहीं है। लेकिन हाँ, जिस शरीर से हम जुड़े हुए हैं उसके जो सुख दुख है वो हमें हमारे सुख दुख लगते हैं और इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हाँ, मुझे ये चाहिए था, ये नहीं मिला, ये मुझे बहुत दर्द हो रहा है शरीर में, जो मैंने एक कथा बताई थी चंबी जाने और कुत्ता जाने, ये अगर विदेहावस्था प्राप्त हो गई हो, मैं देह नहीं हूं, देह को सुख हो रहा है दुख हो रहा है, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं देह भी हूं ही नहीं, इस प्रकार एक विदेह इस प्रकार की अवस्था रहे और फिर भी उसमें वापस आने के चांसेस है। यहाँ पे उन्होंने देवत्व का बताया है, विदेह यानी कि देह, लेकिन जिनका शारीर भाव छूट गया है, जो मन से अंतकरण से देह से मुक्त इस प्रकार के हो गए हो, उनके लिए भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार की होगी, अब वो भव का कारण हो जाएगी फिर से संसार में आने की गुंजाइश है। तो उससे आगे निकलना है तो हमें विदेह भाव को सिर्फ प्राप्त करना ऐसा नहीं है, आगे जो अन्य बताया गया है भव प्रत्यय विदेह प्रकृति दया नाम और श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां, बाकी लोगों का जो है वो श्रद्धा वीर्य समाधि वगैरह के द्वारा होता रहता है, जो योगियों का मार्ग इस प्रकार का। तो उपाय प्रत्यय इस प्रकार का है, तो उपाय जिसका कारण है वो उपाय करने से जो हासिल होता है वो असंप्रज्ञात समाधि श्रेष्ठ समाधि इस प्रकार का रहता है, और भाव प्रत्यय वाला जो है वो कनिष्ठ इस प्रकार का रहता है। फिर भी अन्य लोगों की अपेक्षा से इन्होंने काफी अच्छी तरक्की की है, इसमें संदेह है। हाँ जन्माला मानव जन्म में ही ये पॉसिबल है, 84 लक्ष, हाँ 84 लक्ष योनि पार करके हम मानव जन्म में आते हैं और वहां मुक्ति होने की संभावना है, अगर इस रास्ते पर हम चलते हैं तो मुक्त होने की संभावना है। अब इसमें से इतनी करोड़ों की आबादी है पूरे विश्व भर में, कितने लोग इस मार्ग पर जाते होंगे, काफी मुश्किल है, चाहे उंगलियों में गिनेंगे कि हाँ जो इस मार्ग पर और जो इस मार्ग पर आगे है उनको हम देख भी नहीं पाते हैं, कहाँ है कैसे जीते हैं क्या है, किसी को किसी के बारे में कुछ पता नहीं। ये एक तत्व ज्ञान पतंजलि ने सामने रखा और हमारे लिए एक अहम चीज है उसको भली भांति समझ पाना और उस मार्ग पर चलते रहना, तो शायद
हाँ हमें गुरु भी मिलेगा अभी पॉसिबिलिटी है, देखते हैं किस प्रकार से इसमें आगे जा सकते हैं। तो यहां तक आने के बाद भी फिर से भाव में जा सकते हैं, संसार में जा सकते हैं, ये यहाँ सावधानता बहुत जरूरी है। इसके बारे में कृष्णा जी को लटकर जी ने काफी बहस की है, वो शायद अगले सोमवार को मैं इसके बारे में बोलूंगा, आज यहीं पे रुकते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीना पतंजलिं प्राञ्जलिनाम। तो मैं समझता हूँ कि